इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी हुई कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान के द्वारा एक विज्ञापन दैनिक इनकलाब में दिया हुआ है लखनऊ एडिशन में, और उसमें कुछ ऐसी भावनाएं बातें लिखी हैं जो संविधान की मूल भावना और बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं और सिद्धांतों के अगेंस्ट है, और ये लखनऊ में और पूरे यूपी में कई जगह वायरल हो रहा है और विभिन्न ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है। इसको देखते हुए इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कराया और जो बातें थी उसके आधार पर हजरतगंज में एक मुकदमा 203/2020 धारा 153A 295A 298 505(2) IPC और IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसमें तब और जानकारी हुई कि पूरे लखनऊ में ये सर्कुलेट हो रहा है लगातार, और इनके जो विवेचक नियुक्त हुए चक्रधर पांडे, उन्होंने जब बाकी थानों से पता किया तो उन थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की भावनाएं फैली हुई थी। इसको लेके कल पुलिस ने रूट मार्च भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, और जहां भी ऐसे इलाकों में तनाव परिलक्षित हो रहा था उसको शांत करने की और सबसाइड करने की कोशिश की है। बाद में थाना हजरतगंज से एक स्पेशल टीम भेजी गई जो गोरखपुर में बढ़लगंज में इनका आवास है, वहाँ जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से रात में इनकी गिरफ्तारी की है, और गिरफ्तारी के बाद जब इनको लाया गया इनसे पूछताछ की गई विवेचना के बारे में, और जो फैक्ट निकल के आए उसके आधार पर धारा 124A 153B(2) और 7CLA Act की इसमें वृद्धि की गई है। फिलहाल इनको कोविड को देखते हुए इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और एंटीजन टेस्ट इनका निगेटिव आया है, साथ ही इनका रिमांड बनवा लिया गया है और इनको 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड या सॉरी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड भेजा जाएगा। क्या NSA भी लगे कहीं? अभी जो इसमें तत्काल मतलब जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हिसाब से तो गंभीर मैटर हैं जो वायरल हो रहे हैं वो चीज़ें, और अगर ये इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं तो निश्चित रूप से इसमें भविष्य में ये संभावना है जो विवेचना का हिस्सा होगा। और इनका आपराधिक इतिहास भी है पहले, करीब अब तक 10 मुकदमों की जानकारी हो चुकी है इसको मिलाकर, इससे पहले के 9 मुकदमे हैं जिसमें एक रेप का और 2 153A के ऑलरेडी गंभीर धाराओं के हैं, कुछ चुनाव से रिलेटेड प्रतिनिधित्व अधिनियम के हैं, तो इसको भी हम देख रहे हैं कि और भी इनके जो भी होंगे उसको भी तलाश कराया जाए, साथ ही एक सोशल मीडिया में एक अच्छा माहौल जो है उसको वापस लाने की कोशिश।